नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल नेहा फूड गैलरी में। तो दोस्तों, आज हम लौकी की एकदम नई रेसिपी लेकर आए हैं। तो लौकी से ये मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लौकी की ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लौकी को अच्छे से छिलकर इसको पानी में डालकर अच्छे से लौकी को धुल लिया है। धुलने के बाद हम ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ दोस्तों। ये मेरी लौकी ग्रेट हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इसका पानी निकालूंगी लौकी का। तो देखिए कुछ इस तरह से हाथों से निचोड़ निचोड़ कर मैं लौकी का सारा पानी निकाल लूंगी। तो कुछ इस तरह से ये देखिए लौकी का सारा पानी मैंने निकाल दिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच के करीब बेसन। मैं ज़्यादा बेसन नहीं डालूंगी ताकि लौकी का भी टेस्ट आए। इसके बाद मैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हाथों से। मैंने हाथों को अच्छे से पहले धुल लिया था, तो धुलने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। अभी मुझे बेसन इसमें कम लगा तो मैं थोड़ा सा और बेसन इसमें डाल दी। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा और बेसन डाल दी, क्योंकि ये ज़्यादा कम बेसन मैंने डाला था। इसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मैं डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद देखिए मैं इसका क्या बना रही हूँ। इसको मैं गोल गोल ऐसे करके बना लूँगी, जैसे लड्डू बनाते हैं उसे उसी तरह बिल्कुल हम इसको गोल गोल बना लेंगे। तो मैंने सारे ये देखिए मैंने पूरे अच्छे से इसको गोल गोल बना के रख लिया है। तो हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें जो अपना लौकी का बना के रखी थी उसको तेल में, गर्म तेल में डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो मैं सारे लौकी को इसमें डाल दे रही हूँ। फिर जब एक तरफ से थोड़ा हो जाने के बाद ही हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे, नहीं तो ये एकदम फट जाएगा। देखिए तो मैं इसको अब धीरे धीरे पलट रही हूँ। तो देखिए मैं एकदम अच्छे से इसको पलट दिया एक तरफ से हो जाने के बाद। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये लौकी का मैं क्या बना रही हूँ। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको एकदम ब्राउन कलर में अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। इसको तेल में हम फ्राई करके निकाल लेंगे तो बहुत ही टेस्टी ये लौकी के कोफ्ते हम बनाने जा रहे हैं। तो गरम तेल में ही हम कुछ मसाले इसमें डाल देंगे। देखिए मसाला हो जाने के बाद अदरक और लहसुन मैं डाल रही हूँ। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। फिर प्याज को अच्छे से हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके लिए प्याज जल्दी गल जाए इसके लिए मैं नमक डाल दे रही हूँ। देखिए इस तरह से कुछ इस कलर की प्याज हो जाने के बाद मैं इसमें 2 टमाटर कटा हुआ डाल रही हूँ। देखिए टमाटर हमारा गल चुका है तो मैं इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच, सारी चीज़ें मैं 1-1 चम्मच डाली हूँ इसमें। तो कुछ इस तरह से मिक्स करते हुए अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो कुछ 1 ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला के मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। फिर ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खूब अच्छे से पक रहा है। थोड़ा सा पानी पक जाने के बाद मैं इसमें
जो लौकी के कोफ्ते बना के रखी थी उसको डाल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में ही, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो आप भी इस तरह से ज़रूर लौकी के कोफ्ते ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी इस तरह से बनती है, लौकी के कोफ्ते बनते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे लाइक का एक बटन दिया गया है उसको क्लिक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें।